कितनी ज्यादा धुंध है अभी। स्ट्रगल कर दो है चाची आप इसको इसको वीडियो के लिए। और एनी भी इनके साथ करने लगे स्वीट स्वामी इनोसेंट टाइप की। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी मस्त हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं चुलकाना धाम। और सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। हमारा अचानक से कल प्लान बना है चुलकाना धाम जाने का, तो नींद पूरी हुई नहीं मेरी शक्ल से लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग रात को लेट सोए थे। एनी सोने नहीं देती है यार, लिटरली हम 2:30 बजे सोए हैं और अभी 5:30 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए तो अभी नींद आ रही है, आँखें नींद से भरी हुई हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी जाना है हम लोग को, आपको भी लेके चलेंगे अपने साथ। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फिलहाल हमारी पूजा भी हो गई है, आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग भी भगवान। मैं भी कुछ कुछ रेडी हो गई हूँ, अभी बस फटाफट निकलना है, पूजा वूजा सब हो गई है, तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग टाइम से ही निकल जाएं। तो एनी भी उठ गई है, वैसे ये उठती है 11-12 बजे, बट आज ये लड़की जल्दी उठ गई है, नींद में है। अच्छा पूछ लो, कैसी लग रही हूँ मैं? भैया कैसे बोलते हैं? मैदांश भैया, हेलो गाइस, तुम भी बोल दो हेलो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? गुस्सा है क्या? एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। आज हम लोग जा रहे हैं चुलकाना धाम। जो लोग नहीं जानते हैं, चुलकाना धाम सोनीपत और पानीपत के बीच पे कहीं पड़ता है, और ये खाटू श्याम बाबा जी का ही मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने अपना शीर्ष दान किया था। तो आज हम लोग आपको वहाँ लेकर चलेंगे अपने साथ, तो चले चलते हैं। जय श्याम बाबा की जय, जय श्री श्याम, हर महादेव। धुंध देखो गाइस, कितनी ज्यादा धुंध है अभी। मैं सर्दियों में पहली बार अभी मैंने धुंध देखी है, इतनी सुबह हमें कहीं जाना होता नहीं है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग इतना धुंध देख रहे हैं। One hour later. कितना स्ट्रगल कर दो है चाची आप? भगवान, इसको इसको वीडियो के लिए बहुत रोती रहेगी। ओ मैडम, रास्ते में हो रही थी ये जबरदस्त धुंध, और भाई रास्ता देख के इतना मजा आ गया, मुझे तो एक बारी को ऐसा लगा कि हम लोग पहाड़ों में कहीं चले गए। बहुत सही रास्ता था यार, मजा आ गया। तो चलते चलते थोड़ा आगे बढ़े, तो उसके बाद ये इतना बढ़िया रास्ता था, उसके बाद ये गांव टाइप का स्टार्ट हो गया, देन फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पहुँच गए। तो स्वागत है आपका चुलकाना धाम में, जय जय श्री श्याम। मंदिर में जाने से पहले हमने लिया प्रसाद और फिर निकल पड़े मंदिर की ओर। और मंदिर सच में बहुत अच्छा था यार, अंदर घुसते ही ना मतलब इतना ज़्यादा खुला था और एक शांति सी महसूस हो रही थी। ये यहाँ पे भंडार गृह था, यहाँ पे खाना बनता है, ये जो साइड में एरिया देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी और उसके पापा की मस्ती चल रही थी। फिर हम पहुँचे अंदर मंदिर में, पहले सबसे पहले हमने अपने जूते चप्पल जो थे वो उतार के साइड कर दिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों का दर्शन वीडियो कॉल पे हो सकता है तो सबको दर्शन करा रहे हैं। श्री श्याम। तो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बाहर, और बाहर यहाँ पे ऐसे सामान मिल रहा था, गिफ्ट आइटम्स मिल रहे थे, बच्चों के लिए काफी सामान मिल रहा था। मंदिर के बाहर ऐसी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी जिनमें
श्याम बाबा की फोटोज थी, ये कारपेट्स वगैरह भी कहीं पे मिल रहे थे। अब धुंध खत्म हो चुकी है तो जो रास्ता था और जो जगह खेत वेत थे सब अच्छे से क्लियर दिख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। वहां से आने का मन तो नहीं कर रहा था बट घर भी जाना है, जरूरी है। थोड़ी आगे चलने के बाद लग गई भूख तो हमने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम लोग पहुंचे मन्नत, तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा था। हम थोड़ी सी आगे बढ़े तो यहाँ पे जो क्रिसमस की डेकोरेशन थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी। तो यहाँ का जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था, ये जो क्रिसमस ट्री था बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पे ये जो सेंटा थे ये भाई साहब बड़ा ही सही ट्रोल टाइप का कुछ कर रहे थे, तो मैं और एनी भी इनके साथ करने लगे, बड़ा ही मज़ा आया। लग रही थी भूख तो हम लोग फटाफट गए रेस्टोरेंट के अंदर, खाना ऑर्डर किया। एनी परेशान कर रही थी तो एनी को लेकर उसके पापा बाहर चले गए। एनी यहाँ पे इसको ये फाउंटेन इतने बढ़िया लग रहे थे, यहाँ से ये आना ही नहीं चाहती थी, इसको यहाँ से ज़बरदस्ती खींच खींच के लाना पड़ा। क्रिसमस ट्री के साथ इसका फ़ोटो खींचना था बट ये तैयारी नहीं थी फ़ोटो खींचने के लिए, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, बस ये भागने में लगी हुई थी, गाड़ी में भी नहीं बैठ रही थी। इतना परेशान हो गए, हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ा इसको गाड़ी में बिठाने के लिए। बड़ी मुश्किलों के बाद इसके पापा ने इसको पता नहीं क्या ही पट्टी पढ़ाई, तो फाइनली अब ये गाड़ी में बैठने को रेडी हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट उसमें भी इसको ड्राइविंग सीट पे बैठना था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी इसको ड्राइव करना है इसलिए ये गाड़ी में बैठी हुई है। और से देखिए इस बच्चे को, बहुत शैतान है ये, दिखती है स्वीट स्वामी इनोसेंट टाइप की बट है नहीं। ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।